दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्लैक चार्ट चाहिए, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा चाहिए। इसके ऊपर आपने जो है इस चार्ट को जो है चिपका लेना, जिस भी साइज़ का आपको चाहिए। आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी बना सकते हैं, उस साइज़ का चार्ट आपने ले लेना है, उसी साइज़ का जो कार्डबोर्ड ले लेना है, और फेविकोल या किसी भी ग्लू की मदद से उसको आपने उसके ऊपर चिपका लेना है। उसके बाद एक 8 सेंटीमीटर का एक और कार्डबोर्ड का टुकड़ा मैंने लिया है, आप अपने जो है प्रोजेक्ट के हिसाब से बड़ा छोटा भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर येलो कलर का जो है पतला पेपर या चार्ट जो है आपने चिपका लेना है। उसके बाद आपको चाहिए ब्लैक टेप, और थोड़ी थोड़ी दूरी पे थोड़ा थोड़ा गैप देके जो डिवाइडर हैं जिस तरह से, उस तरह से आपने उसकी लुक जो है बना लेनी है। लगभग 1 इंच गैप पे या उससे थोड़ा कम गैप पे आप इसको ब्लैक टेप को जो है लगा सकते हैं। ये पूरा बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगेगा, बिल्कुल डिवाइडर की तरह ही लगेगा। तो ये मैंने लगा ली पूरी टेप। उसके बाद 2 सेंटीमीटर इस साइड में आपने छोड़ लेना, जो टोटल 8 सेंटीमीटर आपने लिया था, और 2 सेंटीमीटर लेफ्ट और 2 सेंटीमीटर राइट, दोनों तरफ छोड़ के एक लाइन आपने लगा लेनी है, जहाँ से आप इसको फोल्ड करके डिवाइडर को सही लुक दे सको। तो मैं एक लाइन इस पे लगा लेता हूँ, दोनों तरफ लाइन लगा लेता हूँ इसको फोल्ड करने के लिए। तो बीच का जो हिस्सा 4 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर दोनों तरफ है, तो इसको फोल्ड करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया, और उसके बाद ग्लू गन की मदद से इसको पूरी तरह से मैंने जो है फिक्स कर लिया है। तो मेरा जो डिवाइडर है वो पूरी तरह से जो है तैयार हो चुका है। तो इसके ऊपर लगाने के बाद हमारी जो है रोड है 2 भागों में बंट जाएगी। और अब थोड़ा सा इसको और रूप देने के लिए मैंने वाइट कलर की जो टेप है रोड के ऊपर लगा दी है। तो दोनों तरफ इस तरह छोटे छोटे टुकड़े आपने 1 1 इंच के या थोड़ा कम लेके काट के रेडी रोड जो है रेडी कर लेनी है। और उसके बाद हमने पिलर कैसे बनाने हैं, जो पोल हैं, एक 8x12 जो साइज़ का जो पेपर आता है, नॉर्मल जो फोटो कॉपी वाला पेपर है, उसको एक पेन या किसी भी चीज़ के ऊपर लपेट के आपने, या पेंसिल के ऊपर इस तरह से उसकी जो है गुलाई दे देनी है। ये भी आप अपने जो है रोड के हिसाब से छोटे बड़े पिलर जो हैं कैसे भी आप बना सकते हैं, और फेविकोल या किसी भी ग्लू की मदद से, गम की मदद से आपने इसको चिपका कर जो है रेडी कर लेना है। तो आपका जो पोल है वो भी रेडी हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो ये पूरी देखना, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप जो पूरा जो है आपको बताया है कि किस तरीके से आप ये पूरा प्रोजेक्ट जो है रेडी कर सकते हैं। इस पे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन इस पर जो है पूरा स्कूल मॉडल के रूप में मैंने जो बनाया, कई दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था। तो उसके बाद दोस्तों, जो पोल के ऊपर हमने लाइट लगानी है, लाइट लगाने के लिए छोटा टुकड़ा थोड़ा सा उसका लेके, ये 8x12 का साइज था, ये मैंने 4 इंच का टुकड़ा जो है लिया है लंबाई में, सॉरी चौड़ाई में, और लंबाई जितना भी आप ले सकते हैं उसको भी आपने छोटा सा एक पीस लेके उसको रेडी कर लेना है, जिस जिसके ऊपर हम लाइट लगा के अपना पिलर को जो है सही रूप दे सकें। तो इस तरह से जो है 8 पीस ये छोटे वाले हमने रेडी करने हैं, और 4 जो है मैं खंबे लगा रहा हूँ, 4 पोल जो मैं लगा रहा हूँ, 4 अपने वो रेडी कर लेना है। और थोड़ा सा इसको कट दे देना है, जिससे जो लाइट का मुंह हमारा पिलर पे लगने के बाद ऊपर की तरफ रहेगा, जो काफ़ी सुंदर लगता है। ये देखिए, जब मैं इस कट वाली साइड को इस साइड में लगाऊंगा तो हमारी लाइट जो है ऊपर की तरफ रहेगी। उसके बाद एक ऊपर से 2 सेंटीमीटर का मैंने गैप दे के दोनों तरफ पिलर के जो है आर पार जो है होल कर लिया है। इधर से हम वायर को जो है नीचे की तरफ लेके जाएंगे। जो हमारी लाइट है उसकी वायर जो है यहाँ से नीचे की तरफ हम लेके जाएंगे। तो ये साइज थोड़ा छोटा बड़ा है, इस तरह के बिल्कुल सेम पीस आपने रेडी करने हैं। मैंने पहले से ये पीस रेडी करके रख लिए हैं, और कैसे रेडी होने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। सभी पोल और सभी ये जो छोटे जो हमने ये रेडी किए हैं पीस, एक साइज़ के ही होने चाहिए। तो इस तरीके से आपने इसको दोनों तरफ जो है लगाना है। तो चलिए, अभी जो लाइट जो हमने बनानी है वो कैसे करनी है, उसके सिंपल उसी छोटे पेपर के जो वाइट पेपर हमारा है उसके इस तरह से टुकड़े मैंने जो है काट लिए हैं। 8 लाइट हमने लगानी है, 4 पोल हैं, 8 लाइट हैं दोनों तरफ एक एक। वाइट एलईडी मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी एलईडी जो है यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो।
तो इसमें से एलईडी की जो वायर मैंने निकाल ली है, और इस वायर को उसके बाद आपने जो है फोल्ड कर देना है। वायर को थोड़ा इतना गैप पे रखना कि आपस में ये टच ना हो। और इसके नेगेटिव पॉजिटिव का आपने जो है ख्याल रखना है। जो छोटी वायर है, एक तरफ ने देखे बड़ी और एक छोटी है, छोटी जो नेगेटिव होती है और बड़ी जो है पॉजिटिव होती है। तो अब इसके ऊपर जो है वायर के कनेक्शन आपने शोल्डर जो है वायर को कर लेना है। आप अलग कलर की वायर यूज़ करें, नहीं तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव बाद में फाइंड करने में मुश्किल आएगी। तो मेरे पास वायर सिंगल कलर की थी, इसलिए मैंने एक ही कलर की जो वायर जो है यूज़ की है। तो इसमें को मैं थोड़ा नीचे से छोटा बड़ा रख लूँगा, जिससे मुझे बाद में पता लगेगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सा है। तो इसके बाद इसके ऊपर फेविकोल या ग्लू लगा के आप जो दूसरा टुकड़ा हमने काटा था, इसके ऊपर आप उसको चिपका दें, तो आपकी लाइट जो है रेडी हो जाएगी। तो 8 पीस दोस्तों हमने ये टोटल बनाने हैं। 4 पीस में थोड़ी छोटी वायर यूज़ करनी है, और 4 पीस है जो इतनी लंबी वायर यूज़ करेंगे बॉल के नीचे से होती हुई बिल्कुल नीचे, थोड़ी जो है 2-3 इंच वो है बच जाए। तो एक में लंबी, 4 में लंबी वायर लगानी है, 4 में थोड़ी छोटी वायर लगानी है। ये अब जब मैं कनेक्शन करूँगा तो आपको पता चल जाएगा उसमें छोटी वायर मैंने क्यों लगाई है। ये कनेक्शन मैं पैरेलल में कर रहा हूँ, आप सीरीज में भी ये बना सकते हैं। अभी जो है ग्लू इसमें पूरी तरह से जो है सूखा नहीं है, इसलिए वायर थोड़ी बाहर निकल रही है, लेकिन बाकी ये जो है ये पूरी तरह से सूख चुके हैं। तो इसको भी इस जो पाइप हमने बनाया उसमें से निकाल सकते हैं। तो लाइट हमारी रेडी है। तो वायर को जो है पोल में से निकाल के कनेक्शन इसके कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बस कनेक्शन करते टाइम आप वायर जो है अलग कलर की यूज़ करें, तो फिर आपके नेगेटिव पॉजिटिव जो है गलत होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अदरवाइज अगर आप गलत रॉन्ग कनेक्शन कर देते हैं तो एक LED ऑन होगा, दूसरा LED ऑफ ही रहेगा, अगर कनेक्शन जो है उल्टे हो जाते हैं। तो एक बार इसको आर पार आप दूसरी तरफ निकाल लें वायर को सीधा। कनेक्शन करने के बाद हम इसको वापस नीचे की तरफ खींच लेंगे, ये तो थोड़ा देख लें कि वो वायर, छोटी वायर जो है कितनी लंबी कहाँ तक जाती है, वहाँ से इस वायर को कट करके उसके साथ आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखते हुए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कट दे लेता हूँ, पूरी वायर नहीं काट रहा, तो बीच में से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा छील के। नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्शन आपने कर देना, और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ आपने कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट का जो पूरा सर्किट डायग्राम है वो भी आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उसके बाद इसके ऊपर आपने टेप लगा लेनी है कि वायर जो है आपस में टच ना हो। अब इस वायर को, जो लंबी वायर थी हमारी, इसको नीचे की तरफ डालना है। एक बार मैं इसको आपस में जोड़ लेता हूँ कि नीचे निकालना थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो उसी जो है होल है उसमें से निकाल के वायर को नीचे की तरफ मैं ले लेता हूँ। तो वायर नीचे निकल आई है, इसको खींच लेते हैं थोड़ा सा कि पूरी वायर जो है नीचे हो जाए और पूरी वायर जो है टाइट हो जाए। तो इसको अलग अलग कर लें। तो दोस्तों पोल हमारा रेडी होने वाला है, बस अब हमने इसको सही ढंग से जो है इसमें ग्लू गन की मदद से इसको सही ढंग से फिट कर लेना है, कि डायरेक्शन जो है इसकी सही रहे, दोनों की सेम लगे। ये ना हो कि एक ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ जा रहा है। तो लुक इसकी उसी हिसाब से बनेगी कि आप कितनी सफाई से इसको बना सकते हैं। तो जहाँ हमने कट किया था कि इसके ऊपर की तरफ उसी डायरेक्शन में इसको हमने लगा देना है। ग्लू गन लगाने का ये फ़ायदा है कि ये बहुत जल्दी सूख जाती है, अगर हम यहाँ इसको फेविकोल या किसी और मदद से लगाते हैं तो इतनी जल्दी ये चिपक नहीं पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पोल हमारा जो है रेडी हो चुका है। यहाँ पर भी आपने ग्लू लगा देनी है थोड़ी थोड़ी, कि काम जो है बिल्कुल पक्का हो जाए। इसके बाद ऊपर से भी इसको बाद में हम बंद कर देंगे, ऊपर एक पेपर लगा के पिलर को। तो पोल जो है रेडी हो चुका है। इस तरह से 4 आपने रेडी कर लेने हैं, और उसके बाद इसके कनेक्शन कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक वायर मैंने छोटी रखी है, एक बड़ी रखी है, जिससे मुझे नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रहेगा। अगर अलग अलग कलर की वायर यूज़ करेंगे तो
बड़े आराम से आप कनेक्शन इसके कर सकते हैं। तो चार होल इसमें मैंने किए हैं, चार पोल लगाने के लिए हमारा जो डिवाइडर था। तो ये वायर जो है इस होल में से नीचे की तरफ निकाल के ग्लू गन की मदद से हम इसको पोल को जो है इसके साथ चिपका देंगे। वन बाय वन जो है सभी जो हैं पोल हम इसके ऊपर खड़े कर लेंगे। तो वायर को नीचे थोड़ा हाथ से, टाइट हाथ से पकड़ के पोल बिल्कुल सीधा रहे और उसके ऊपर आप ग्लू गन लगा के चारों पोल जो आपने लगा लिए। तो देख सकते हैं आप चारों पोल जो है ग्लू गन की मदद से मैंने फिक्स कर लिए हैं। जो वायर उसकी नीचे की तरफ निकलाई है, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ सभी को आपस में जोड़ लेंगे। पूरे कनेक्शन दोस्तों मैं पैरेलल में कर रहा हूँ क्योंकि सर्किट मैंने इसी हिसाब से इसका बनाया है कि पैरेलल में ये उसके ऊपर ऑपरेट हो सके। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ जोड़ के दो वायर जो है मैंने इसको इनपुट देने के लिए बाहर निकाल लिया। तो उसके बाद आप एक 3.7 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको चेक कर सकते हैं कि सभी LED जो है ऑन हो रहे हैं। तो फिर अगर आपका ये कनेक्शन बिल्कुल सही है तो सभी LED ऑन हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने इसको अपनी जो रोड आपने बनाई थी उसके ऊपर इस डिवाइडर को ग्लू गन की मदद से चिपका लेना है। तो आपका जो रोड वाला जो पूरा काम है वो आपका पूरा हो जाएगा। तो देखिए मैंने ग्लू गन की मदद से इसको बिल्कुल चिपका लिया है, ये सूख भी चुका है, रोड हमारी रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों ये डन है। तो अभी देखते हैं इसका सर्किट हमने कैसे रेडी करना है। इसके लिए एक ट्रांजिस्टर आपने लेना 2N2222, ये 800 mA तक जो है लोड उठा सकता है। तो इसलिए यही ट्रांजिस्टर आप यूज़ करें। इसके मीटर बेस कलेक्टर मैंने जो है शो कर दिए हैं आपको। और दूसरा ट्रांजिस्टर हमने लेना है BC557। तो दोस्तों जो सर्किट मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत से सर्किट आपको उस पर मिल जाएंगे नेट के ऊपर, लेकिन ये सर्किट जो है बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। इसके कलेक्टर BC547 के कलेक्टर को हमने 2N2222 के बेस के साथ लगा दिया है और जो LDR है उसके BC557 के बेस पे और उसके एमीटर पे हमने डायरेक्ट शोल्डर कर देना है। LDR छोटा बड़ा जो भी आपको अवेलेबल हो, कोई भी LDR आप इसके साथ शोल्डर कर लें, सेम काम ही करेगा। उसके बाद एक 100K का रजिस्टर लेना है आपने। इसको 2N2222 के जो है मीटर के साथ और उधर से इसके बेस के साथ BC557 ट्रांजिस्टर के बेस के साथ आपने इसको शोल्डर कर देना है। 100K का रजिस्टर आप 47K से 100K तक कोई भी रजिस्टर ले सकते हैं 1/4 वाट में, या इसकी जगह वेरिएबल रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं 100K का। उसके बाद एक 10 ओम का रजिस्टर 0.5 वाट या 1 वाट में आप ये ले लें। ये 10 ओम से लेके 47 ओम तक जो है रजिस्टर आपने जो 2N2222 है उसके कलेक्टर के साथ आपने शोल्डर कर लेना है, जो कि यहाँ से आउटपुट सप्लाई देगा। तो ये सर्किट जो है हमारा पूरा हो गया है। अब इसकी जो है इनपुट जो हमने देनी है, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ, नेगेटिव सप्लाई यहाँ पर, और पॉजिटिव जो रेड मैंने चिमटी लगाई वहाँ पर, और यहाँ से हमने जो है नेगेटिव सप्लाई एज ए उसकी आउटपुट लेनी है और पॉजिटिव हमने डायरेक्ट उसको देनी है जो दो बार हमारी पिलर में से निकली थी। तो सर्किट में पूरा आपको समझाएंगे। एक स्विच मैंने इसके साथ जो है लगा लिया है, 9 वोल्ट की बैटरी इसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों उसके बाद मैंने जो दो लंबी वायर लेके जो मैंने डायरेक्ट उसके साथ शोल्डर किया था LDR, इसके साथ दो लंबी वायर लेके मैंने पिलर के ऊपर से उसको बिल्कुल निकाल के कनेक्शन उसके कर लिए हैं कि पूरे का पूरा जो सर्किट है मैं इसके नीचे ही डाल दूंगा, जो हमारा डिवाइडर बनाया हुआ है। ये देखिए मैंने नीचे उसको पूरी तरह सेट कर दिया है और स्विच को ऑन करते हैं। अभी सर्किट हमारा एक्टिवेट हो चुका है जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया। तो LDR के ऊपर हाथ रख के देखते हैं, जैसे ही अंधेरा होगा या उसके ऊपर हाथ रखेंगे LED हमारे ऑन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं बढ़िया वर्क कर रहा है। तो बहुत बहुत ही बढ़िया तरीके से सर्किट वर्क करता है, बहुत ही छोटा सर्किट है। ये लाइट बंद करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ही मैंने लाइट ऑफ करी LED जो है ऑन हो गए हैं। फिर से लाइट बंद करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो दोस्तों इस तरह के प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा।